हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की वंडरफुल दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। अभी है टाइम हमारे लाइव कंसल्टेशन का, तो आप लोग लाइव चैटिंग के माध्यम से अपने सवाल, अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को मदद करने की। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बेहद बेहतरीन दवा एकाइलिफा इंडिका के बारे में। तो ये जो एकाइलिफा इंडिका है, ये सांस संबंधित कंडीशंस में बहुत ही उपयोगी है। तो बेसिकली अगर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स किसी को होती हैं, तो चाहे वो आपको टीबी की शिकायत हो, आपको लंबे टाइम से ब्रोंकाइटिस है, खांसी है बहुत ज़्यादा, ड्राई कॉफिंग है, तो ऐसी सारी समस्याओं में एक बहुत ही अच्छी हमारी दवा है एकाइलिफा इंडिका। तो जानेंगे आज एकाइलिफा इंडिका दवा के बारे में और विस्तार में, और साथ में लेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस आज के लाइव में। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दे, ताकि आप अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ होम्योपैथी के बारे में, आप उसे मिस नहीं करें। और आप लोग होम्योपैथी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, होम्योपैथी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो अवश्य मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अर्पणा सामंता को विजिट करें। वहां आपको होम्योपैथी से रिलेटेड बेहद ही आवश्यक जानकारियां भी मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी की दवा एकाइलिफा इंडिका के बारे में। एकाइलिफा इंडिका, इसको हम इंडियन नेटल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी एक इंडियन मेडिसिन है, और ये एक एक झाड़ी में ये उगता है बेसिकली, एंड ये कहीं पे भी उगता है। तो आपको पता होना चाहिए एकाइलिफा इंडिका क्या है, ये इंडियन नेटल क्या है, और इसकी जो दवा है, जो मेडिसिन इससे हम बनाते हैं, ये सांस संबंधित बीमारियों के लिए बेहद उपयोगी है। तो अगर आपको लंबे टाइम से खांसी है, और खांसी कैसी, बिल्कुल ड्राई कॉफ, और खांसी के साथ साथ ऐसा लगता है छाती में कंजेशन और दर्द हो रहा है, जो खांसी है वो छाती से आ रहा है, ड्राई कॉफ आपको होता है, छाती में एक जकड़न का महसूस होना, कंजेशन का महसूस होना, पेन का महसूस होना, ऐसे भी हमें एकाइलिफा इंडिका में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि सुबह जो बलगम निकलता है, तो कॉफिंग जो होती है वो उसमें ब्लड आता है, हिमोप्टाइसिस होता है, तो ब्लड आना, और शाम को क्या होता है, जो खून आएगा वो थोड़ा सा क्लॉटेड होता है। तो अर्ली मॉर्निंग जो ब्लड है दैट विल बी ब्राइट रेड फ्रेश ब्लड, और शाम को वो थोड़ा सा क्लॉटेड टाइप ऑफ ब्लड होता है। तो अगर खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहा है, राइट, एंड इट इज अ पेनलेस कंडीशन, तो एकाइलिफा बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जब हम बोलते हैं खांसी, खून में बलगम में खून आना या पेनलेस है, तो ये काफी ट्यूबरक्यूलोसिस के ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो ट्यूबी या ट्यूबरक्यूलोसिस, स्पेशली ट्यूबरक्यूलोसिस कहाँ की, फेफड़ों की। अच्छा, अब जो ट्यूबरक्यूलोसिस है वो कहीं पे भी हो सकता है, राइट, बॉडी का किसी भी पार्ट में टीबी हो सकता है। ये लंग्स में ज्यादा होता है, बट लंग्स के अलावा भी आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, लिम्फ नोड में, पेट में, हड्डी में, स्पाइन में, ठीक है, कहीं पे भी टीबी हो सकता है। ये लंग्स में ज्यादातर होता है, बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टीबी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द लंग्स, फेफड़ों तक सीमित नहीं है, कहीं भी हो सकता है। टीबी की अगर हम बात करें, तो टीबी इन्फेक्शियस डिजीज से होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसका ट्रीटमेंट है, बट इसका मॉर्टेलिटी रेट भी काफी है। तो अगर टीबी का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया जाए, तो इससे क्या है कि जो टीबी संबंधित बीमारी होना या टीबी के वजह से डेथ होना, ऐसा अभी भी हम देखते हैं एशियन कंट्रीज में, ये सब चीजें हैं। वाई? बिकॉज ठीक से दवाई नहीं जा रही है या ट्रीटमेंट नहीं जा रही है। टीबी के बारे में अगर आप लोगों को मालूम है, तो आपने सुना होगा कि एक प्रकार की टीबी होती है जिसको हम कहते हैं MDR, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। तो टीबी की जो दवाइयां मेनली यूज होती है, जो हमारा टीबी अगर होता है, तो टीबी को ट्रीटमेंट के लिए ATT का जो प्रोटोकॉल या ATT ट्रीटमेंट जो है, इसमें हमारी चार बेसिक दवाइयां इसमें दी जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, पेशेंट दे आर रेसिस्टेंट, या उनके शरीर में जो टीबी का बैक्टीरिया है वो
इन दवा से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या वो दवा लेने के बावजूद भी वो बैक्टीरिया पनप रहा है. सो दैट इज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस. तो बॉडी में एक रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है. अगर किसी कारणवश शरीर की इम्यूनिटी कम है तो भी एमडीआर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है. सो व्हाट वी सी कि अगर किसी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग एज इट शुड या एचआईवी से ग्रसित है, तो ऐसे लोगों में टीबी होना, बेसिकली अगर एचआईवी है तो इम्यूनिटी कम है तो कोई भी इन्फेक्शन बहुत इजीली हो सकता है, बट टीबी होना एंड टीबी फिर एमडीआर का रूप लेना, ये बहुत ही एक रिस्क फैक्टर की तरह काम कर सकता है या ऐसा हो जाता है. ओके, तो टीबी के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है. और काइलिफा इंडिका की जब हम बात करें तो टीबी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट है, इसमें भी, अच्छा इसमें भी वही चीज़ है कि हेमरेज वाली टेंडेंसी. तो अगर बलगम है तो बलगम के साथ फ्रैंक ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट में टीबी मान लीजिए अगर है, और लैक्ट्रिन के साथ खून जा रहा है, ब्राइट रेड ब्लड. अब अगर ब्लड में, स्टूल्स में ब्लड आ रहा है तो जो हमारा ध्यान जा सकता है कि कोई पाइल्स वगैरह तो नहीं हो गया, एक्सटर्नल पाइल्स, हेमरॉइड्स वगैरह है, तो वो सबसे पहले ध्यान जाता है. बट इसके अलावा भी देयर कैन बी अदर कंडीशंस आल्सो जिसके वजह से लैट्रिन के रास्ते खून जा सकता है. और अगर पेट की टीबी है और पेट की टीबी के साथ साथ ब्राइट रेड ब्लड मोशंस के साथ साथ या लैट्रिन के रास्ते जा रहा है, अगेन वी कैन थिंक ऑफ द मेडिसिन एकाइलिफा इंडिका. सो एकाइलिफा इंडिका एक बेहतरीन दवा जब हेमरेज हो रहा हो. और कैसा ब्लड है? ब्राइट रेड ब्लड. ओके, तो ऐसे में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. हम बात करें खांसी के बारे में तो ड्राई कॉफ है, और अगेन जो खांसी होगी वो बहुत ज्यादा छाती में कंजेशन के साथ खांसी आती है. हम देखते हैं कि एक प्रोग्रेसिव इमेसिएशन है, प्रोग्रेसिव वेट लॉस हो रहा है, पेशेंट का जो वजन है वो घट रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है. और ऐसी चीजें अगेन हम टीबी में देखते हैं कि टीबी में ऐसी चीजें हो जाती है, राइट? तो ऐसी समस्या हो सकती है. एंड अगेन जब भी हम कोई भी बीमारी के बारे में या किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक उसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस ठीक होगा तो उसी तरह से इसका जो इलाज है या दवा है वो हम दे सकते हैं. तो लाइक आई सेड कि अगर लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है तो डेफिनेटली पहला जो एक डायग्नोसिस है वो हेमोरॉइड्स के तरफ जाता है. बट उसके अलावा भी वी मस्ट थिंक कि और भी रीजन की वजह से हो सकता है, एंड वी मस्ट ट्राई टू लाइक ट्रीट द कॉज, राइट? एंड अकॉर्डिंगली वी शुड गिव द मेडिसिन. तो ये जरूरी है. तो एकाइलिफा इंडिका ऐसी एक दवा है जो कि हमें हेमरेजिक कंडीशंस में बेहद मदद कर सकती है. इसका कॉफ होता है, ड्राई हार्ट, और फिर खून निकलना, हेमोप्टाइसिस होना या खून निकलना. मॉर्निंग में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, सोकर जब उठते हैं तब प्रॉब्लम ज्यादा होती है, छाती में बराबर एक दर्द, एक हैवीनेस बना रहता है, राइट? तो सुबह जब खांसी के साथ जो बलगम आएगा क्या होगा? ब्राइट रेड. और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, दोपहर को, शाम को, यही जो एक्सपेक्टोरेशन है या खांसी के साथ जो खून है वो डार्क होगा, क्लॉटेड होगा, राइट? और इसके साथ साथ जलन का महसूस होना, गले में जलन, पेट में जलन, खांसते खांसते भी कई बार ऐसा हो जाता है, जलन की महसूस होती है, फीलिंग होती है. और अगर पेट की टीबी है, क्योंकि टीबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर पेट की टीबी है तो पेट की टीबी टीबी में भी हम एकाइलिफा इंडिका जो दवा है इसके बारे में हम सोच सकते हैं, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं. जो मोशंस होते हैं एकाइलिफा इंडिका में वो क्या होता है? स्प्लटरिंग डायरिया, यानी कि लूज मोशंस. और लूज मोशंस जब होते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल से पिचकारी की तरह मोशन से एकदम से स्प्लटर होके आता है. और बहुत ज्यादा नॉइजी फ्लेटर्स, तो गैस बहुत जोर से पास होना और उसके साथ साथ बिल्कुल मोशन होना जो एकदम बिखर जाए, स्प्लटर हो जाए. तो जैसे आप सोचो कि अगर बलून में जो वाटर बलून होते हैं होली में यूज करते हैं, उस गुब्बारे को अगर ऐसे फेंके तो कैसे, उसमें अगर कलर है तो कैसा वो ऐसा फैल जाएगा, तो
तो ऐसा फैला हुआ सा डायरिया होगा एंड इट विल बी विथ लॉट ऑफ नॉइज, तो बहुत ज्यादा गैस निकलना और उसके साथ साथ स्प्लटरिंग डायरिया होना और फिर जलन होना. तो ये एक एकाइलिफा इंडिका की बहुत बड़ी इंडिकेशन है. एंड अगेन अगर ब्लड जा रहा है स्टूल में देन अगेन ये इसकी जो इंडिकेशन है और ज्यादा इसमें और इंडिकेटेड हो जाती है हमारी दवा एकाइलिफा इंडिका, राइट. तो रेक्टल हेमरेजेस वगैरह होने में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड एकाइलिफा में हमेशा जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है उस टाइम पे थोड़ी तकलीफ बढ़ना या एग्रवेशन होना ऐसा होता है. एकाइलिफा का जो यूजेज है इसको हम क्योंकि ये हम स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए यूज करते हैं, इसकी जो पोटेंसी है हम लो पोटेंसी या मदर टिंचर में जनरली हम इसको यूज करते हैं. और कैसे यूज करते हैं, तो इसकी 10 बूंद 15 बूंद 20 बूंद जैसा भी इंडिकेटेड हो उस हिसाब से हम इसको देते हैं, पानी के साथ मिक्स करके देते हैं. एंड चीफ इंडिकेशन इज ड्राई वॉयलेंट कफ विथ ब्लड इन द एक्सपेक्टोरेशन एंड जो फ्लेम वगैरह आ रहा है, बलगम आ रहा है, ब्लड उसमें निकलता है. एंड खांसी रात को बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सिवियर खांसी रात को होती है. धीरे 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 करके जो वजन है वो घट रहा है. स्प्लटरिंग डायरिया विथ लॉट्स ऑफ लाइक गैस पास होना, लॉट्स ऑफ फ्लेटस एंड स्प्लटरिंग डायरिया. सो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ एकाइलिफा इंडिका. एकाइलिफा के बारे में हम और बातचीत करेंगे. चलिए क्वेश्चंस आप लोगों के थोड़ा सा लेते हैं और एकाइलिफा के बारे में भी हम बात करते रहेंगे. हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मैम टेकिंग लाइकोपोडियम वंस डेली फॉर वीकनेस फॉर पास्ट फ्यू डेज. डू वी हैव टू टेक इट वंस डेली और कैन बी वेल इफ यू आर टेकिंग इट फॉर लाइक सम क्रॉनिक कंडीशन, मे बी सम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक इट वंस इन अ डे ओनली बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक थिंग एंड यू नीड टू टेक द मेडिसिन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इफ यू आर टेकिंग इट फॉर द वीकनेस इमेसिएशन, राइट, सो टेक इट वंस इन अ डे एंड गिव सम टाइम टू द मेडिसिन सो दैट इट कैन वर्क. तो थोड़े टाइम दवा को देना है ताकि वो मेडिसिन ठीक से आपको हेल्प कर पाए. इमेसिएशन है और पुरानी कंडीशन के लिए हम दवा ले रहे हैं, पुरानी तकलीफ के लिए दवा ले रहे हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए दवा ले रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक हमें लेना है. तो आप ऐसे इसको ले सकते हैं एंड एक बार करके दिन में लेना शुरू कर सकते हैं. अगला हमारा क्वेश्चन है, बर्निंग इन द लेग बट गैस पास, बर्निंग थ्रू बर्निंग नॉट फीलिंग. ओके, देखिए अगर जलन वगैरह की प्रॉब्लम है एंड गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, साथ में जलन की एक समस्या है, कार्बोविच मेडिसिन ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, राइट. सो कार्बोविच इज अ गुड मेडिसिन विच यू कैन कंसिडर एंड इट्स लाइक काफी आपको मदद दे सकती है जब ऐसा लगता है कि जो भी आप खाते हैं एवरीथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस. ऐसा लगता है कि आपका जो पेट है वो एक गैस की फैक्ट्री है. देर इज सो मच ऑफ गैस फॉर्मेशन, देर इज सो मच ऑफ गैस फॉर्मेशन. सो इन केसेस लाइक दिस कार्बोविच इज अ वेरी गुड मेडिसिन विच यू कैन कंसिडर. ऑल राइट, टीबी से संबंधित एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, तो इसका भी मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी. ये सवाल है हमारा, ओके, तो ये क्वेश्चन है कि एक बार टीबी होने के बाद क्या दोबारा टीबी हो सकता है. देखिए टीबी एज आई सेड इन्फेक्शियस डिजीज है. टीबी तब होता है जब आपकी जनरली हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छा नहीं है या हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता या मे बी खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, मैल नरिश्ड हैं, ठीक है, ठीक से खाना नहीं खाते हैं. तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिसमें जो टीबी का बैक्टीरिया है वो आपके बॉडी में ग्रो कर सकता है, पनप सकता है. एंड अगेन लाइक टीबी के बारे में हम बात करें तो टीबी की जो हमारी अलग अलग बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, टीबी के वेराइटीज हो सकते हैं, राइट. टीबी MDR हो सकता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो सकता है. एंड डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक बार टीबी हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है. बेसिकली ऐसे होते हैं पेशेंट्स की एक बार टीबी हुआ, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद फिर हुआ हो सकता है. एंड वी हैव टू सी, जब भी ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है तो इसमें अगर MDR है तो अकॉर्डिंगली हम दवा दें. सो डेफिनेटली वी हैव टू लाइक कंसिडर दोज फैक्टर्स एज वेल.
एंड अभी जैसे एकाइलिफा के बारे में मैंने बात करी, सो एकाइलिफा इज अ वेरी गुड मेडिसिन विच यू कैन कंसिडर. एंड एकाइलिफा में क्या है कि कई बारी आप जब अपना कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जब दवा ले रहे हैं, इसके साथ साथ भी एज अ सपोर्टिव हम होम्योपैथी की दवाइयाँ ले सकते हैं. एंड इन केसेस लाइक दिस, लाइक यू कैन डेफिनेटली टेक द मेडिसिन एकाइलिफा, जो कि आपको अगर छाती का फेफड़ों में अगर टीबी हुआ है या मे बी पेट में टीबी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये मदद कर सकता है. और अपना कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ भी आप एकाइलिफा दवा को ले सकते हैं. तो अगर आपका सवाल है कि टीबी एक बार हुआ दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसका आंसर है यस, दोबारा भी हो सकता है. अगर आपका सवाल है एमडीआर है तो इस केस में क्या करना है, एमडीआर है तो एमडीआर का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है. हमारी होम्योपैथी की काफी सारी दवाइयां हैं जो एज अ सपोर्टिव आपको मदद कर सकती है. एंड डेफिनेटली यू कैन टेक द मेडिसिन एंड इससे आप देखेंगे कि जो रिकवरी है वो भी अच्छी होगी, आपका एक जो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथ है यू विल फील मच बेटर इन दैट. तो डेफिनेटली आप ये दवाइयाँ यूज कर सकते हैं. ऑल राइट, गुड इवनिंग एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है. डेफिनेटली सी इन केसेस लाइक दिस यू कैन टेक द मेडिसिन कालीफॉस, राइट, कालीफॉस इन 6x. एंड वॉट यू कैन डू इज यू कैन टेक लाइक 4 tablets ऑफ इट once in the evening, so that your mind can relax, you can go to sleep, and basically you can leave the stress behind you. क्या होता है अगर इसको बताया जाए कि हमारा जो body है और mind है, तो ये जो एक constant mind की mind में जो आपके work process सारा कुछ काम आपका चलता है, working सब चीजें चलती हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम जब ऑफिस के बाहर हम स्टेप आउट करते हैं तो इन सब चीजों को ऑफिस में ही रख कर आए, कोशिश करें. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके वजह से क्या होता है कि यू आर बेसिकली अफेक्टिंग योर सेल्फ योर फैमिली. तो जरूरी है थोड़ा सा कोशिश करें अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. एंड होम्योपैथिक मेडिसिन कालीफॉस 6x विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डील विद द डे टू डे वर्क प्रेशर एट योर वर्क प्लेस. एंड ऑल्सो एक अच्छी नींद आए इसमें भी ये मेडिसिन हेल्प कर सकती है. एंड ऑल्सो बकोपा मुनियरी, दैट इज ऑल्सो अ गुड मेडिसिन व्हेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑप्टिमली, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, इतना काम है, नींद नहीं हुई है, और फिर अगले दिन ऐसा लग रहा है कि या मे बी जब 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता भर महीना ऐसा ही चल रहा है तो एक स्टेज आ जाता है जब लगता है कि एक ब्रेन फॉग हो रहा है, मुझे कुछ चीजें ठीक से समझ नहीं आ रहा है या मैं अच्छे से चीजों को कर नहीं पा रहा हूँ. सो इन केसेस लाइक दिस यू कैन कंसिडर द होम्योपैथिक मदर टिंचर बकोपा मुनियरी ब्रह्मी. तो इससे भी आपके मस्तिष्क को ठंडक मिलती है and you can think more rationally, more clearly, and it can help you better. Next hamara question hai, ma'am, oleander pe bhi definitely is pe bhi video banayenge. Dekhiye agar aapko potency matlab mother tincture mein medicines ka usage hai to isko hum kya karte hain, pani ke sath thoda mix karke dete hain. अगर आपको कभी भी जब हम दवाई होम्योपैथी की देते हैं तो आपको दो तरह से दे सकते हैं दवा. पहला कि आपका जो प्रेस्क्रिप्शन है वो ऑर्गन स्पेसिफिक है. फॉर एग्जांपल एकाइलिफा के बारे में हमने बात किया तो टीबी है तो हमने स्पेसिफिकली उसी चीज को ध्यान में रख के मेडिसिन दी. अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन में दवा को देते हैं एंड वी वेट एंड वॉच, और हम थोड़ा टाइम देते हैं सो दैट द मेडिसिन कैन शो इट्स एक्शन, राइट. तो ये दोनों प्रेस्क्रिप्शन का हमारा डाइल्यूशन का या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन का तरीका है, ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिंस का प्रेस्क्रिप्शन का तरीका है. एकाइलिफा देना है तो मदर टिंचर के रूप में देना है एंड जस्ट टू कंट्रोल द सिम्टम्स एंड ऑफ कोर्स हेल्प इन द स्पीडी रिकवरी.
ऑल राइट, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि एकाइलिफा इंडिका के बारे में जो मैंने भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है तो अवश्य वीडियो को शेयर करें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ वी कैन कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल विथ होम्योपैथी। होम्योपैथी के साथ हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, उसके लिए आप लोगों का जो सहयोग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी क्रूशियल। तो आप लोग अवश्य वीडियो को शेयर करें। आप देखेंगे जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं उसके साइड में एक बेल बटन बना है, उसको आपको प्रेस करना है, उससे क्या होगा आप नोटिफाइड रहेंगे। सो व्हेनेवर आई एम कमिंग लाइव और आई एम पब्लिशिंग वीडियोस यू गेट टू नो। जो मैं वीडियोस पब्लिश अभी कर रही हूँ वो मैं वेंसडे को एंड सैटरडे को कर रही हूँ, और लाइव में आ रही हूँ थर्सडे और संडे को। तो लाइव का टाइम 4:30 बजे का है, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा मैं भी टाइम निकाल पाती हूँ। बाकी आप लोग अपने सुझाव अपने फीडबैक डेफिनेटली मुझे दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, एंड फील फ्री टू कनेक्ट फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग होम्योपैथी। अपॉइंटमेंट बुक करना है तो वेबसाइट पे जाए drarpana.com और वह बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, बाकी हमारे जितने क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लाइव में लेंगे। कोशिश करें लाइव को टाइम से आप लोग ज्वाइन करें, एंड जिन भी वीडियोस पे रिक्वेस्ट है उस पे जल्दी लाइव में हम एक एक लाइव में इन दवाइयों को हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट लाइव में लेंगे। नेक्स्ट लाइव में हम मिलेंगे नेक्स्ट कमिंग थर्सडे को, उससे पहले वेंसडे को आपको मेरा वीडियो मिलेगा, अवश्य उसको देखें। मैंने आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में डिस्कस किया, लाइक द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विच यू कैन फॉलो टू स्टे हेल्दी फॉर अ गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल, राइट। अगर नहीं आपने वीडियो देखा, वो कल का मेरा वीडियो था, मेरे चैनल पे जाए और अवश्य उस वीडियो को देख ले। ऑल राइट दोस्तों, नेक्स्ट जितने क्वेश्चंस हैं सब हम नेक्स्ट अपने लाइव में लेंगे। ऑल राइट, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।